प्यारे बच्चों, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने नए सत्र 2023-24 के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। आज की वीडियो में क्लास टेंथ हिंदी कोर्स ए का सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ शेयर करने वाला हूं। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आए और आपके पूरे मार्क्स आएँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा हम पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जो पेपर है वो 80 नंबर का आएगा, 20 नंबर आपके इंटरनल जो टीचर्स के हाथ में होता है। 3 घंटे का पेपर होगा, 2 पार्ट होंगे ए और बी, यानी कि आ और बा। जो ए पार्ट होगा उसमें सारे के सारे एमसीक्यू होंगे और जो बी पार्ट होगा उसमें सारे के सारे लॉन्ग टाइप के प्रश्न होंगे। बाकी कितने प्रश्न होंगे किस खंड में वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपको पूरा एमसीक्यू ही है लेकिन ये अपठित गद्यांश है, यानी कि ये ऐसा पैसेज है जो आपके क्षितिज कृतिका का नहीं है। तो आपने इस पूरे पैसेज को पढ़ना है, तो एक बार आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरा ये समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो इसे स्लो भी आप कर सकते हैं ताकि पूरा पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहे तो रोक रोक के भी इसे देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर क्या रहेगा कि जो प्रश्न होंगे वो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे एक प्रश्न की। आपको क्या करना है, चारों में से एक ही प्रश्न आपका सही है। फॉर एग्जांपल के लिए पहला प्रश्न है कि हिंदी फिल्मी गीतों और लोक गीतों में क्या समानता है। जो फिल्मी गीत होते हैं और जो लोक गीत होते हैं, जैसे गांव वगैरह में शादी पार्टी में या लोग गाते हैं ना, जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो गया तो लोग अपने गाँव के अलग अलग गाने गाते हैं, तो उन पर क्या समानता है। तो इसका जो सी आंसर है कि ये जनमानस के सुख दुख उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया। मतलब जो हिंदी भाषा है उसकी शब्द संपदा को समृद्ध करना और अच्छा बनाना, तो फिल्मी गीतों ने उसे कैसे सपोर्ट किया। तो पूरा पैसेज तो आपने पढ़ लिया, एक बार आप पैसेज को दोबारा से पढ़ सकते हैं। इसका आपका बी आंसर है कि विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से। मतलब बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में पिक्चरें बनती हैं, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग। अब एक प्रश्न आपको कुछ इस तरीके का आएगा जहाँ पर कथन और कारण होंगे। जैसे इसे ध्यान से पढ़े, ए जो है कथन ए और कारण आर को पढ़ करके उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा होगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कारण और कथन है। जैसे भी कारण देख लो, कारण है कि हिंदी फिल्मों के गाने जन मन के जन जन के गीत बन गए, ये कथन है। कारण क्या है, इन गीतों में राजनीति की अनुगूंजों के साथ साथ देहाती कस्बाई और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, पहला भाई कि क्या कथन ए गलत है किंतु कारण सही है। आपको क्या लगता है कि क्या ये बात गलत है कि जो हिंदी फिल्मी गीतों के गाने जन जन के गीत बन गए। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है ना, जो गाने हैं वो जन जन के गीत बन ही गए हैं, तो ये तो सही लग ही रहा। इन गीतों में राजनीति की अनुगूंजों के साथ साथ देहाती कस्बाई और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता है। तो क्या लगता है आपको, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपको भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका सी है कि कथन ए भी सही है और कारण जो है वो सही व्याख्या करता है, क्योंकि राजनीतिक और देहाती ऐसे फिल्में होते हैं। अगला है कि फिल्मी हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका, इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है। तो आप तर्क देखो एक बार, यहाँ हिंदी कवियों और उर्दू शायरों को एक ही बिरादरी में माना जाता है। दूसरा, मतलब 3 स्टेटमेंट है। दूसरा है कि ये गीतकार उर्दू तत्सम प्रधान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में समान रूप से गीत लिखते हैं। और तीसरा है इन गीतकारों को प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें दे रखा भाई एक सही है या 2 सही है या 3 सही है या 1 और 2 सही है, कौन सा लगता है। तो भैया जहाँ तक आप मेरी मानो या मुझे लगा इस पैसेज को पढ़ करके, तो यहाँ पर आपको ए और 2
यानी कि पहला और दूसरा दोनों मुझे सही लगे। बाकी आपको अगर कहीं भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। गीतकार में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आज के टाइम में तो छोटे छोटे बच्चों में भी प्रतिस्पर्धा का भाव रहता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो कर लो फटाफट से। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदी फिल्मी गीतों की किस विशिष्टता पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो यहाँ पर आप तीन ऑप्शन है, लेकिन मुझे इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ये गीत सांस्कृतिक खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। अब आपके पास कविता है जो कि आपके सिलेबस का नहीं है, क्षितिज का नहीं है, तो सबसे पहले इस कविता को एक बार पढ़ लीजिए। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकान थकन में सोते फिर भी उड़ते बड़े सवेरे हैं। धरती की सेवा करते हैं, कभी न मेहनत से डरते हैं। लू हो चाहे ठंड सयानी, चाहे झरझर बरसे पानी, ये तो मौसम है हमें तूफानों के मुँह फेरे हैं। खेत लगे हैं अपने घर के घर से, हमको गरज नहीं दफ्तर से। तो इस तरह से आप इस पूरे कविता को एक बार पढ़ लीजिए। आप चाहे तो हर एक पार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको इन प्रश्नों को देखने समझने में मदद मिले। आइए पहला और दूसरा प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है कि हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं से आशय क्या है? ये कमेरे क्या है? तो कमेरे का मतलब है बहुत परिश्रमी, है ना। तो इसका जो है वो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। परिश्रम, कमेरे का मतलब कमाने वाले। तो भैया बुद्धिमान अज्ञानी आलसी तो हो नहीं सकते, मतलब परिश्रमी। कवि ने किसानों को फसलों का रसिया क्यों कहा है? तो क्यों कहा भाई? किसान जो फसलों से प्रेम करते हैं इसीलिए वो रसिया है। रसिया मतलब उसके प्रेमी हैं। अगला आपका गा है कि किसान धरती की सेवा डैश करते हैं, तो कब करते हैं वो? बिना विश्राम और परिश्रम करके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो, तो इसका जो आंसर है वो हमेशा जो है वो मेहनत करते हैं, मेहनत से डरते नहीं, तो बिना विश्राम लगातार परिश्रम करके। और अगला है भाई कथन और कारण फिर से। तो जैसे ऊपर आपको गद्यांश में था कि कथन को आपको देखना है, कारण भी देखना है, और दोनों में आपको जो सही लगता है उसको चुनना है। तो आपको क्या लगा एक बार इसे पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो है मेरे अकॉर्डिंग आंसर आपका डी है कि कथन ए व आर सही है और कथन ए आर की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। आगे देखो, हम किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक लिया है। हम किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया है, कविता की पंक्ति का क्या आशय है? तो क्या आशय है इसका, क्या मतलब है, कैसे ढक दिया उन्होंने? तो भाई हर सब जगह हरियाली हो गई है, सब जगह खेत में लहला रहे हैं, फसल लहला रही है। तो यहाँ पे जो कविता के अकॉर्डिंग धरती को साड़ी सी ऐसा लगता, साड़ी पहना दिए, तो आपका यहाँ पर ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको ग्रामर के यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं, और ग्रामर के आपको सभी टॉपिक अगर आपको समझने तो हमारे चैनल पे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में प्लेलिस्ट में भी आपको हर एक चैप्टर और टॉपिक के एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट आपको वहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है वो शायद यहाँ पर वाक्य भेद, तो क्या है भाई, रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य को आपको सरल वाक्य में बदलना है। तो सबसे पहले तो इस वाक्य की पहचान करेंगे कि ये कौन सा वाक्य है। तो जहाँ तक नहीं श्योरी है, रसूलन और बतूलन भाई जब गाती हैं, मतलब एक्साइटमेंट बन रही है, यहाँ तक एक सेंटेंस है। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, और इसका जो सही है कि रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। और अगर मैं थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाऊं तो यहाँ पर डी वाला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डी और ए में थोड़ा सा ही फ़र्क है, बाकी सिमिलर है दोनों आंसर में। अगला है, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, इस मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो ये मिश्रित वाक्य है, आपको इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो पढ़ो भाई एक बार जरा, संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए आपको
और जोड़ना पड़ेगा, है ना, और तथा, तो कौन सा है एक बार देखो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई, और तो एक ही सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। दूसरी बार हल्दार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अगर आपको डाउट लगता है किसी भी आंसर में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है भाई मिश्र वाक्य का पहचान करने आपको, कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। पढ़ते हैं एक बार। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, तो कतई ये मिश्र नहीं है क्योंकि सिंपल है, साधारण है। हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा, थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा, ये लग रहा है ना। एक बार आगे देखते हैं। हमने हुड़दंग मचाया और कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर खोल दिया, मतलब ये तो आपका मिश्र वाक्य, सॉरी संयुक्त वाक्य हो गया, ये आपका सरल हो गया। हमारे हुड़दंग मचाने के कारण थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा, तो ये भी आपका जो है सरल वाक्य हो गया। तो जो आपका सही आंसर है मिश्र वाक्य की जो पहचान है वो दूसरा वाला, हुड़दंग तो इतना मचाया है ना, वैसे भी की जोड़ा है यहाँ पर, तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपको घ देखो एक बार, घ में क्या है, संयुक्त वाक्य पहचान कर सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब संयुक्त वाक्य कौन सा है। असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी, जैसे ही रमेश आया वैसे मोहन चल दिया, विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पूरी तरह से तो इसका सही उत्तर जो है वो दूसरा वाला है, लेकिन कहीं कुछ हद तक इसका चौथा भी सही है, लेकिन चौथे जो ऑप्शन में थोड़ा सा कमी है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा तथा या और जोड़ना चाहिए था तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। देखो एक बार लगाते हैं, विद्यार्थी परिश्रमी है तथा वह अवश्य सफल होगा, या और वह अवश्य सफल होगा, तो और बिल्कुल ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, पहला नहीं दूसरा और चौथा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद अगले देखो कि कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। ए कॉलम में सेंटेंस दे रखे हैं तीन और बी कॉलम में आपको तीन ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो कौन सा सही है वो देखते हैं। एक बार देखो ज़रा, सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए, तो ये आपका है बिल्कुल सरल। मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों के बहते खून को लावे में बदल दिया, तो यहाँ पर और जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। कुछ लोग इसलिए दान करते हैं, देखो ये अधूरा है ना, कुछ लोग इसलिए दान करते हैं, ये आधा हो गया, तो इसका हो गया आपका मिश्र, मतलब पहले का हो गया दूसरा। एक मिनट थोड़ा सा इसे और ऊपर करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहले का हो गया दूसरा, दूसरे का हो गया तीसरा, और तीसरे का पहला, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, यस बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आपको बहुत जल्दी आप इसके आंसर निकाल सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, सभी जो ग्रामर के टॉपिक हैं, और ग्रामर के जो 16 नंबर है ना इसी से आपकी मेरिट बनती है और इसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। अब जो है हम यहाँ पर वाच्य का बताना है आपको, कि वाच्य पहचान करनी है, पाँच में से चार ही करने हैं। चलिए वाच्य का देखते हैं, और पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसमें आपको कर्मवाच्य में बदलना है ना, तो पहचान करने के लिए आता है, बदलने के लिए भी आता है। तो बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था, तो यहाँ पर या तो द्वारा आएगा या से आएगा, है ना, कर्म में, तो देखते हैं किस में नहीं है। देखो इसमें से है, इसमें द्वारा नहीं है, बाकी तीनों में से और द्वारा है। अब देखते हैं कि ये जो इसमें है लग गया, ठीक है, यहाँ था या है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, इसमें भी है ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, ये वाच्य कौन सा है। तो ये सिंपल सा है, ये कर्मवाच्य है। क्यों है कर्मवाच्य, क्योंकि पहली बात तो एक इसमें से लगा हुआ है, दूसरा है
इसमें जो कर्म है ना वो गीत कर्म है, गीत को नहीं सुना गया है ना, बाल गंगाधर भगत का गीत, तो बाल गंगाधर भगत के गीत को नहीं सुना गया, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हैं। और अगला है धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। अच्छा, किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको बाकी सभी टॉपिक्स के वीडियो जिसी चैनल पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, ये किसका उदाहरण? तो सिंपल सा है, ये आपका जो है वो कर्तृवाच्य है। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण, भाववाच्य कौन सा है एक बार देखते हैं। माताजी मिठाई बना सकती है, दूसरा हो गया है मुझसे बैठा नहीं जाता, तीसरा है भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, और चौथा गर्मियों में छत पर सोया जाता है। कौन सा आपको लगता है? इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा सही है, या दूसरा और चौथा सही है। तो एक बार इनको पूरा अच्छे से देख लो कि आपको कौन सा लग रहा है। तो देखिए सिंपल सा है, ये दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य ही है। लेकिन सिर्फ एक का ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं है कि जो दूसरा है, इसलिए मैं एक और इसके साथ जोड़ना होगा। हालांकि आपको भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये भी भाववाच्य है। गर्मियों में छत पर सोया जाता है, ये भी भाववाच्य है। मतलब पहले को छोड़ कर के लगभग तीनों भाववाच्य हैं। अब ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये बिल्कुल सवाल ही गलत है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये द्वारा जुड़ा है, लेकिन इसमें कर्म है ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा तीसरा बिल्कुल ओके, ये रहा आपका दूसरा तीसरा, इसका सही मानेंगे हम। बाकी जो है अभी कॉलम आपको मैच करना है, और एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ ताकि ऑप्शन के साथ आप आंसर कर पाओ। यस, यहाँ पे मैच करना आपको है ना। तो गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ये क्या है आपका? गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ये कर्तृवाच्य है। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, तो गोपाल से पत्र, यहाँ पर पत्र जो है कर्म है, तो गोपाल से ये कर्मवाच्य कहाँ गया? ये रहा। और धूप में चला नहीं जाता, ये आपका भाव है। तो कैसे आप इसका आंसर होगा? पहले का तीसरा नहीं, पहले का तीसरा नहीं है, पहले का दूसरा है। दूसरे का क्या है? दूसरे का तीसरा है, और तीसरे का क्या है? तीसरे का पहला है। तो देखो ऐसा ऑप्शन का है, दूसरा तीसरा पहला, दूसरा तीसरा पहला। यस बिल्कुल, ये है दूसरा तीसरा और पहला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अगर आपको डाउट रहता है तो मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगला जो है, अब आपके पास पद परिचय वाले आ गए, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होता है पद परिचय। यहाँ पर मज़ा आता है आपको देखो इसे सॉल्व करने में। तो हम देहरादून घूमने गए, इसमें अपने जो हम हैं उसका पद परिचय करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चार ऑप्शन आपके पास रहते हैं, इनको करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सही आंसर का पता लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डिलीट वाला ऑप्शन देखा करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिलीट वाला ऑप्शन कौन सा है, हम जो है घूमने गए, तो ये बहुवचन है, एक वचन हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्या है वो, मतलब संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है, तो भैया पहला वाला भी डिलीट हो गया, सार्वनामिक विशेषण बता रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास दो बचे, भी दूसरा और तीसरा, सर्वनाम प्रथम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन कर्ताकारक, सर्वनाम प्रथम पुरुष पुल्लिंग, ओ एक ही बचा है ना, अब तो ऑप्शन हमारे पास एक बचा है। तो इस तरह से डिलीट वाले ऑप्शन से आपका आंसर बहुत जल्दी निकलता है। अगला है, शशि दसवीं कक्षा में पढ़ती है। अब आपको दसवीं का बताना है, दसवीं कक्षा में पढ़ती है, तो सबसे पहले हम डिलीट वाला ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो डिलीट वाला यहाँ पर देखो, सभी लगभग आपको यहाँ पे तो करेक्ट आंसर ही देखना पड़ेगा आपको, डिलीट वाला ऑप्शन आपका काम करेगा नहीं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन काम करेगा भाई, देखो एक बार ज़रा, मैंने इसे देखा, मैंने कहा देखता हूँ एक बार। तो देखो दसवीं कक्षा जो है ना, पहली बात तो ये कि विशेषण है, ये आपका क्रिया विशेषण नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास है कि दसवीं कक्षा, तो ये आपका गुणवाचक नहीं है, बस दसवीं, दसवीं क्या है? संख्या है। तो संख्या वाले दो बच गए, पहला और लास्ट।
अब हमें देखना है कि दसवीं वो एक वचन है कि बहुवचन है। तो यार दसवीं कक्षा तो कोई एक ही होगी ना, है ना, दसवीं कक्षा कोई एक ही होगी, जो ससी पढ़ती है वो किसी एक ही दसवीं कक्षा में पढ़ती होगी ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला वाला, यानी कि विशेषण है, संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कक्षा विशेष है। पद परिचय हमारे चैनल पर अच्छे से समझाए गए हैं, अगर आपको समझना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं आप। अगला है कि वह स्कूल से अभी अभी आया है, आपको क्या करना है, स्कूल से आया है। तो सबसे पहले डिलीट वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर स्कूल से आया है तो देखो ये पुल्लिंग है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है ये बहुवचन नहीं है ना, तो बहुवचन वाला आप डिलीट कर दो। उसके बाद संज्ञा है, तो समय जातिवाचक जातिवाचक है, स्कूल से तो स्कूल व्यक्तिवाचक नहीं है, स्कूल जातिवाचक है, है ना। तो अब हमारे पास बचे पहला और लास्ट ऑप्शन, अब आप देखो कि क्या अलग है करण से अपादान से। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, तो ये स्कूल से आ गया यानी कि स्कूल से अलग हो गया, है ना, तो स्कूल से तो अलग ही हुआ है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका रहेगा, यस बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये जुड़ने के अर्थ में होता है से करण, और बस एक से आपका आंसर निकल के आ गया। उसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है वो है, वह मेरी बात पर बहुत हंसा, यहाँ पर बहुत बहुत का आपको बताना है। तो भैया बहुत जो है ना वो क्या नहीं है, सबसे पहले वो देखेंगे, इसमें डिलीट वाला नहीं भाई, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, क्योंकि जो बहुत है ना वो क्रिया विशेषण है, तो आपका जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आ गया, बाकी आपको कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि सिंगल ही ऑप्शन आपका सही है और वही ऑप्शन आपको टिक करना है। योग्य पिताजी की संतान भी योग्य ही होती है, हालांकि ऐसा तो नहीं होता, बच्चे पिताजी बहुत अच्छे होते हैं बेटे नालायक हो जाते हैं, कई बार पिताजी तो मतलब अच्छे नहीं होते बट बच्चा होनहार निकल आता है। खैर इस पर नहीं जाएंगे, हमें संतान पे हमें पद परिचय करना है। तो भाई संतान क्या है, योग्य पिताजी की एक ही संतान है, तो ये मेरी संतान है, मेरा संतान नहीं बोलता ना कोई, यह मेरा संतान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, संतान शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो है ये पुल्लिंग वाला डिलीट कर देना है, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या है, संतान जो है ना वो विशेषण तो है नहीं, है ना, विशेषण नहीं है ना संतान, तो ये विशेषण आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद देखो क्योंकि संतान संज्ञा है लेकिन किसी का नाम तो नहीं है ना, जब किसी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक होता, तो व्यक्तिवाचक भी नहीं है आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अलंकारों पे, तो भैया अलंकार बहुत अच्छे टॉपिक है, और अलंकार अगर आपको फिल्मी गानों से समझने, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने फिल्मी गानों के माध्यम से अलंकार को समझाया है, तो हमारे चैनल पे जाकर के एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करवी ककरी में, अलंकार कौन सा है, कौन सा अलंकार है, सुनत जोग ज्यो करवी ककड़ी, मतलब जो तुम्हारा योग का संदेश में कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है, ये गोपियाँ कहती हैं उद्धव को। तो यहाँ पर जय जो मनु मानो मनु ही जो वहाँ पे आता है वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद जो है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंक्ति में निहित अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे सिंपल सा है भैया, निर्जीव को सजीव की तरह वर्णन किया गया, तो यहाँ पर मानवीकरण है यानी कि मनुष्य की तरह, उस काल मारे क्रोध के तनों कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जहाँ पर आपका मैंने कहा ना भी मनु मानो जनु जानो जनु हूँ आए, वो आपका क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपका क्लियर है। उसके बाद घाव पे चलते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कहाँ पर, कहाँ पर है भैया, जनु आ गया भाई, मज़ा आ गया यहाँ पर भी, है ना, तो ये देखो मनु मानो मनु हूँ जनु जानो जनु, तो ये जनु आ गया ना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, सिंपल सा है आपके हो जाएंगे। एक बार आप अलंकार वाली वीडियो ज़रूर देख लें, आपको लाइफ में कभी भी आप अलंकार नहीं भूलोगे। उसके बाद देखो सुवर्ण को खोजत फिरत कभी बेबीचारी चोर, तो यहाँ पर जो सुवर्ण है ना सुवर्ण उसे कौन ढूंढ रहा है, कभी भी बेबीचारी भी और चोर भी, यानी कि एक सुवर्ण के तीन अर्थ हैं, कवि के लिए
व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए। तो जहाँ पर एक शब्द के अलग अलग अर्थ हों वहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार होता है। चलिए अब आपको जो है ये गद्यांश पठित पाठ के आधार पे हैं। तो यहाँ पर आपको ये कौन सा है, यस सॉरी नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा पाठ से ये है, और ये आपने वैसे भी पढ़ा होगा, एक बार फिर से पढ़ लो इसे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, अर्थात जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई, जीप कस्बे में रुक कर आगे बढ़ी, जीप कस्बे में रुक गई, ये जीप कस्बे में नहीं गई। भाई सिंपल सा है। तो मुझे लगता है CBSE थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई इस सवाल में, तो ये तो भैया सिंपल सा ही है ना। हालदार साहब किससे किसके विषय में सोचते रहे, तो हालदार किसके विषय में सोचते रहे भाई, ये आपने चैप्टर भी पढ़ लिया होगा, तो एक बार आप ज़रूर इसे समझें। वो मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे ना, नेताजी के बारे में नहीं बल्कि मूर्ति के बारे में वो सोचते रहे, किसने बनाया, कैसे बनाया, चश्मा कहाँ गया होगा, है ना। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, इसे क्या असर है। तो चार ऑप्शन एक बार देख लो, पढ़ लो इसे, और क्या लगता है आपको इसका जो सही आंसर है। आजकल जो देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया, लोग देशभक्ति अगर कोई करता है तो उसका मजाक बना देते हैं, है ना। कोई आजकल सीरियस पढ़ा रहा हो तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। जिसने आपको गलत चीज़ पढ़ा दी या कोई आपको गलत मतलब चीज़ें समझा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप देशभक्ति कहीं दिखाओगे तो लोग मजाक बनाएंगे, है ना। दूसरा कि दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर क्या अंतर दिखाई दिया। तो दूसरी बार देखा तो क्या हुआ, हर बार जो है वो मूर्ति चश्मा बदल रही थी, तो इस बार जो है एक नया चश्मा था। तो कहाँ गया भाई, यस मूर्ति पर एक नया चश्मा था। जब भी जाते एक नया चश्मा, जब भी जाते एक नया चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ देशभक्ति के भाव पर व्यंग्य करता है, देशभक्ति की प्रासंगिकता पर सवाल उठाता है, देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है। तो एक बार क्या लगता है आपको यार, थोड़ा सा इस सवाल को पढ़ो ज़रूर। भैया पान वाले को देखकर तो ऐसे लगता है कि मजाक बना रहे होंगे, है ना, लेकिन एक्चुअल में जो लास्ट लाइन, जब बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जगी, तो इसका ऑप्शन है देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है, कि बड़ों में भले ना हो लेकिन बच्चों में है, तो बच्चों में एक उम्मीद जगती है कि भाई नई पीढ़ी है वो देशभक्त बन रही है। अगला जो है 36 पाठों पे या पर पाठों से आधारित है। तो बाल गोविंद भगत के जीवन में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, बाल गोविंद भगत के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। तो पूजा पाठ यज्ञ आदि करने की बिल्कुल नहीं, आडंबर से दूर रह करके ईश्वर भक्ति करने की बिल्कुल नहीं, कृषि आधारित जीवन व्यतीत करने की, सामाजिक रूढ़ियों का समर्थन करने की। तो रूढ़ियों का समर्थन तो उन्होंने बिल्कुल किया ही नहीं, है ना। तो आपका जो है आडंबर से दूर रह करके, सॉरी ये बिल्कुल सही है, मैंने गलत बोल दिया, वो आडंबर से रहित थे, मुझे लगा आडंबर के साथ ईश्वर भक्ति, भी आडंबर से रहित यानी कि दिखावा नहीं करना है, फिर भी आप ईश्वर भक्ति करते रहो, दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे। अमीरुद्दीन को रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर वाला रास्ता क्यों पसंद था, तो इसका रीज़न है, ये आपका सहनाई वादा बिस्मिल्लाह खां वाले चैप्टर से है, तो आपने अच्छे से पढ़ा और समझा होगा क्या है इसका आंसर। तो वहाँ पर भैया रसूलन बाई और बतूलन बाई जो वो संगीत प्रेमी थे, है ना, तो संगीत के प्रति असीम जो रुचि के कारण, तो संगीत के प्रति रुचि थी इसलिए उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई भी पसंद थे, उनके घर का रास्ता भी याद हो गया। अब यहाँ पर एक पद्यांश आ गया, अभी हसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनि सुमहा भट्ट मानी, ये राम लखन परशुराम संवाद का है। तो इसे आप एक बार तो 3-4 लाइन 5-6 लाइन ऐसे पढ़ लो। परशुराम बार बार अपना कुठार किसे और क्यों दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर राम को भयभीत करने के लिए, लक्ष्मण को भयभीत करने के लिए, विश्वामित्र को भयभीत करने के लिए, या महाराज जनक को भयभीत करने के लिए। तो यार क्योंकि बातें तो लक्ष्मण के साथ ही हो रही है, बार बार लक्ष्मण ही सामने आ रहे हैं, बार बार पहले तो उन्होंने सबको दिखाया, फिर बाद में उन्होंने किसी एक यानी कि बार बार लक्ष्मण को वो भयभीत करने के लिए दिखाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति से लक्ष्मण के शक्तिशाली होने का पता चलता है, तो एक बार देखते हैं कि लक्ष्मण के शक्तिशाली होने का पता किससे चलता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुंभड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देखी मर जाए, भाई यहाँ पे कोई छुई मुई तो है नहीं जो तर्जनी देख करके मर जाए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाली लाइन यहाँ पे होनी चाहिए,
तो यस, ये जो लास्ट लाइन है ये वाला आपका इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो, रघुकुल में किन किन के प्रति अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है आपके लिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला ये, यानी कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और गाय। तो हमारे कुल इन पर नसुराई, मतलब हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाया जाता, इनका अपमान नहीं किया जाता। बी एस सी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभट मानी, यह कथन का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो बी एस सी लखन जो है वो हंसते हुए बोलते हैं कि अहो मुनि सु महाभट मानी, ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े मतलब पराक्रमी हैं। तो भैया यही लाइन नहीं, बल्कि लक्ष्मण ने जितने भी बोला वो सारे के सारे व्यंग्य ही है ना। तो लक्ष्मण जो कर रहे हैं वो क्रोध तो कर ही नहीं रहे, वैराग्य उनमें है नहीं, हास्य तो खैर लक्ष्मण हास्य अलग होता है, व्यंग्य अलग होता है। मतलब जब हंसने में व्यंग्य हो, कटाक्ष हो, तो वो व्यंग्य होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उपर्युक्त गद्यांश में लक्ष्मण के चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर होती है? तो कौन सी होती है? वीरता, धैर्य, शिष्टता या विनम्रता? तो आपको तो भैया ये तो बिल्कुल है ही नहीं, विनम्रता शिष्टता भी नहीं है, और धैर्य तो खैर थोड़ा बहुत हो भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वीरता, क्योंकि लक्ष्मण वीर थे इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर लड़ाई हो भी जाएगी तो भैया दो चार हाथ तो चली जाएंगे, है ना, कुछ होगा नहीं मुझे। पाठ्यपुस्तक पर कविताओं के आधार पर दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को शिशु का धूल धूसरित शरीर प्रतीत होता है, कैसे? स्नान करवाने योग्य, वस्त्र आभूषण से सजाने योग्य, खिले हुए सुंदर कमल के समान, मिट्टी से सने हुए पौधे के समान। यहाँ उन्होंने बोला कि भाई जो ऐसा लगता है जैसे कमल का जो पौधा वो मेरे घर में खिल गया, तो खिले हुए सुंदर कमल के समान इसका आंसर होगा। उसके बाद जो है संगतकार पाठ के अनुसार, संगतकार की मुख्य विशेषता क्या होती है? संगतकार जो कि बैक सिंगर होते हैं, बैक स्टेज सिंगर होते हैं, जो सिंगर के बैक में बोलते हैं सपोर्ट में, तो उसकी मानवीयता। संगतकार पाठ के अनुसार संगतकार की मुख्य विशेषता उसकी प्रतिभा प्रदर्शन की आकांक्षा, उसकी आत्ममुग्धता, उसकी कलात्मक श्रेष्ठता। तो एक बार देखो भाई कौन सा हो सकता है, तो ये उनकी मानवीयता ही है, जो वो खुद तो काफ़ी अच्छे हैं भले, लेकिन वो अपने आप को अच्छा ना बना करके मेन सिंगर को आगे बढ़ाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। अब ये तो सारे ए पार्ट में एमसीक्यू थे, अब यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आपके आ गए हैं, मतलब लिखने वाले। गद्य पाठों के आधार पे आपको चार प्रश्नों में से तीन के आंसर देने हैं, और ये ध्यान रखना कि जो है तीन प्रश्नों के देने, दो दो नंबर है, तो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना आपको, दो ढाई लाइन जो है बहुत होते हैं। तो क्या आपको नवाब साहब के व्यवहार सामान्य लगा? क्यों भैया? मुझे तो नवाब साहब का व्यवहार बिल्कुल सामान्य नहीं लगा। खीरा खरीदते हैं, काटते हैं, धोते हैं, पोछते हैं, साफ करते हैं, नमक लगाते हैं, मतलब सारी तैयारी करने में सूंघ कर फेंक देते हैं। तो यार ये सामान्य तो हो नहीं सकता है ना। तो ऐसा तो कोई ऐसा ही व्यक्ति करता है जो या तो बिल्कुल ही पागल होगा या बिल्कुल ही दिखावा करता होगा। तो इसी तरह से आपको भी इसका आंसर लिखना है। महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मनु भंडारी के पड़ोस कल्चर में क्या अंतर है? तो भैया लेखिका जहाँ रहती थी वहाँ पे सारे लोग मिलकर रहते थे, है ना, सारे लोग आपस में त्यौहार एक दूसरे के घर मनाते थे, एक दूसरे के साथ खाना पीना शेयर करते थे। लेकिन जो फ्लैट कल्चर हो गया, अपने घर के अंदर सीमित रहना, इसीलिए आप देखते हैं कि आसपास में प्यार प्रेम कम हो गया शहरों में, है ना। तो गाँव में क्या है, आज भी पड़ोस कल्चर है, सब कुछ चलता है। अगर कोई समस्या परेशानी आ गई तो पड़ोस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं लोग, है। तो ये आंसर इसका हो गया। मंगल ध्वनि का क्या अभिप्राय है? बिस्मिल्लाह खान की सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक सेनाई बिस्मिल्लाह खान को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो आपको इसे स्पष्ट करना है, क्लियर करना है। तो यह जो सेनाई है मंगल ध्वनि का अभिप्राय, मतलब जो मांगलिक का फंक्शन होते हैं उसमें गाया जाता है, भाई शादी वगैरह में या कुछ अच्छा काम हो रहा हो तो वहाँ पे ये गाया जाता है, इसलिए इसे मंगल ध्वनि कहते हैं, है ना। तो मंगल भवन मंगलहारी, मतलब जो अमंगल को दूर करे और मंगल करे, आनंद कर दे, तो इसलिए उसको मंगल ध्वनि कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छी सेनाई बजाते हैं और उनकी जो सेनाई में स्वर नहीं बल्कि मधुरता, मिठास और एक अपनापन सा निकलता है। तो यही रीज़न है, सेनाई से उनका एक ऐसा रिश्ता है
उस सेना ही बजाते नहीं, बस को गुरु मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे। तो जब हम सब किसी चीज़ को सब कुछ मानते हैं तो वो हमारा मतलब उसके नायक तो हम बनेंगे ही ना। सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, संस्कृत पाठ के अनुसार आपको बताना है। तो संस्कृत और सभ्यता और संस्कृति पाठ जो है, संस्कृति पाठ, तो संस्कृत व्यक्ति कौन होता है, जो बुद्धि और योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता रखता है। जैसे भैया मतलब कुछ नया करने का जिनमें दिमाग हो, जिनमें ऐसी बुद्धि हो जो नया कर सके। जैसे न्यूटन ने क्या करा, गुरुत्वाकर्षण। तो न्यूटन क्या है, एक संस्कृत व्यक्ति है जो कुछ नया नई चीज़ की खोज करे। फॉर एग्जांपल के लिए शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। तो और कौन कौन से आपकी नज़र में हैं जिन्होंने इस तरह से खोज की, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आर्यभट्ट और न्यूटन का नाम तो मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर अब आपको तीन प्रश्नों के उत्तर, अच्छा ये भी आपको दो दो नंबर के ही है, सॉरी तीन तीन नंबर के हैं ये। तो ये आपको, गोपियों ने कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को किन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया। तो भैया गोपियों ने कहा कि हम तो सिर्फ कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, मन क्रम वचन से, सिर्फ काना काना जा कर ही हम तो कृष्ण से ऐसे लिपटे हैं जैसे कृष्ण गुड़ है और हम चींटी हैं। हमें पता है कि गुड़ पे जा कर के मर जाएंगे, लेकिन फिर भी मरना नहीं छोड़ते, कृष्ण के पास जाते हैं, गुड़ के पास जाते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं आप, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बेहतर है। साहस हो, शक्ति हो, साथ में विनम्रता भी हो। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर आपको बताना है। देखो साहस शक्ति ये दोनों राम में भी है, लक्ष्मण में भी है, दोनों में इक्वल है। साहस भी बहुत ज़्यादा है लक्ष्मण और राम में, शक्ति भी दोनों में इक्वल है, लेकिन विनम्रता जो है ना वो लक्ष्मण में कम देखी गई। तो जहाँ साहस और शक्ति काम करता है, कई बार विनम्रता भी काम कर जाती है। कई बार हम ताव में, जोश में और होश खो बैठते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमने ऐसा स्टेप ले लिया जिसमें बाद में पछताना पड़ता है, अरे यार हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ये गलत कर दिया। तो ये विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है, शालीनता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप राम का यहाँ पर एग्जांपल देंगे कि राम में शक्ति साहस विनम्रता थी, लक्ष्मण में विनम्रता की कमी थी, इसलिए लक्ष्मण गुस्से को भड़का रहे थे और भी बढ़ा रहे थे, जबकि राम ने गुस्से को शांत कर दिया। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, ऐसा क्यों कहता है कभी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कभी अपनी कथा को किसी को सुनाना ही नहीं चाहता, है ना भाई। मेरी स्टोरी है, मेरी लाइफ है, तो मैं क्यों सुनाऊँ किसी को, सबसे पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं सुनाऊँगा अगर अपनी कथा, क्योंकि लेखक के जीवन में उसकी प्रेमिका थी जो आज उसके साथ नहीं है, तो अगर वो अपनी जीवनी, अपनी कहानी, आत्मकथा सुनाता है तो लेखक को भी दुख होता है, साथ में लोग, वो कहता है कि मैं क्यों लोगों को, लोग मज़े लेते हैं, है ना। तो भैया लोगों को मज़े क्यों दिलाऊं मैं अपनी कहानी को लेकर के, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा अभी समय नहीं है। फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा किस प्रकार है, तो भैया लाखों करोड़ों हाथ जब फसल पे लगते हैं, कोई बोता है, कोई खेत जोतता है, कोई निराई गुड़ाई करता है, कोई पानी डालता है, कोई उसे उपजाता है, कोई खाद हटा डालता है, कोई खरपतवार निकालता है, कोई उसे बड़ा करने में मदद करता है पानी डालना, कोई उसे उसको निकालता है दाने को, मतलब कुल मिला के फसल जो है वो लाखों लोगों का स्पर्श है। तो इस तरह से आपने उसे, तब जाके फसल हम तक पहुँचता है। तो इसे आप बना बना के लिख सकते हैं। या अक्षितिज सॉरी कृतिका से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ गए हैं, दो प्रश्नों के उत्तर देने, चार चार नंबर का है। तो आपको लगभग लगभग आधे से ऊपर पेज यानी कि पौना पेज आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना होगा। माता का प्रेम, बहुत ही आंसर सरल होते हैं। माता का प्रेम पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन होता है, माता के आंचल पाठ के आधार पर बताइए। तो माता का प्रेम और पिता का प्रेम, हालांकि ये गलत इन्होंने लिख दिया। भाई ऐसा कैसे हो सकता, माता का प्रेम गहन होता है, क्या पिता का प्रेम पिता का है नहीं। एक पिता से पूछो कि क्या वो बच्चों से कम प्रेम करता है, बिल्कुल नहीं। सवाल गलत बना दिया इन्होंने, एज ए पिता मैं ये सवाल को गलत मानता हूँ। बट अगर पूछा है तो भाई हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि माता का प्रेम ज़्यादा है, बट अगर हम माता और पिता को अलग अलग लेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। भाई माता का प्रेम भी वैसा ही है, पिता का प्रेम भी वैसा ही। पिता थोड़ा सा गुस्से में आ जाए, पिता थोड़ा सा डांट दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार कम है, बट हाँ
आप ये कह सकते हैं कि भैया देखो मतलब हर टाइम बच्चा पिता के साथ खेलता था, फिर भी जो है लास्ट टाइम वो माता के पास ही जाता है। जब दुख आता है, जब मुसीबत आती है, विपदा आती है, तो माँ ही याद आती है ना, ये तो ये लिख सकते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, प्रश्न के उत्तर में लेखक क्या बता क्या कारण बताता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो सबसे पहले उसका कारण बताता है कि भाई मैं मजबूर हूँ, अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं मजबूर हो गया। कई बार हम हमारे दिल में कोई बात टिकती नहीं है तो हम बता देते हैं, तो ये भी होता है। दूसरा लेखक कहता है कि उसकी जो अनुभूति है, जो उसने फील किया है, वो चाहता है कि उसे लोगों को बताएं, उसे लिखें, तो इसलिए वो लिख देता है। तीसरा वो कहता है कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं खुद को भी जान पाता हूँ, है ना, मैं क्या हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, तो इसलिए भी वो कहता है मैं क्यों लिखता हूँ, इसका कारण बताता है। मेहनत कर बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया, तो और क्यों भी कहा, साथ में क्यों का आंसर भी आपको इसका देना है। तो गंतोक को, गंतोक शहर जो है वो मेहनत कश बादशाहों का शहर, क्योंकि सभी लोग मेहनती होते हैं, सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि बादशाह भी वहाँ पर काम करते हैं, और लोग बादशाह भी ऐसे काम करते जैसे लेबरों की तरह, मतलब उस शहर को चमकाने के लिए हर एक काम करता है और बादशाह की तरह अपने आप उसको मतलब लगा देता है। तो बादशाह और सारे एक जैसे मतलब लोग उसमें उसे अच्छा करने में लगा देते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो नेता मंत्री विधायक होते हैं वो कहते हैं काम करो 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 करो, करते नहीं हैं, लेकिन गंतोक शहर में जो है वो जो बादशाह है वो भी काम करता है ना। ओके, अब हमारे पास आ गया है अनुच्छेद लेखन, तो लगभग आपका एक पेज के करीब 6 नंबर का होगा। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, भाग्य और पुरुषार्थ, पर्वतीय स्थल की यात्रा, ये 3 टॉपिक है, चौथा भी है क्या, नहीं 3 टॉपिक है, तीनों में से आपको कोई एक लिखना है, या तो आपको ये सारे के टॉपिक लिखने होंगे, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये वाला लिखें, अगर आपको ये भी नहीं अच्छा लग रहा तो ये वाला लिखें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिखेंगे। ये ध्यान रखना कि ये जो सारे अंदर के टॉपिक है ना, ये आपको पेपर में नहीं लिखने हैं, ये हेडिंग नहीं डालने आपको ये वाले, ठीक है, ये अनुच्छेद लिख रहे हैं आप, ये निबंध नहीं लिख रहे, ये सारे निबंध में लिखे जाते थे, लेकिन अब क्योंकि अनुच्छेद आ गया है तो एक पैराग्राफ में लिखना है। आपको ये सारे टॉपिक समझने हैं, समझने के बाद आप लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे और आधा पौना पेज के करीब आप इससे अनुच्छेद को कंप्लीट कर देंगे। किसी एक विषय पर पत्र लिखना है तो ये पत्र भी आसान ही होता है ना, सारी चीज़ें तो क्लियर होती हैं, तो इसमें समझाने वाली बात नहीं है। भाई पत्र आप पढ़ते आ रहे हैं, छठी से पत्र लिखते आ रहे हैं, तो आपका नाम दिशा है या दीक्षा है या दक्ष है, आपकी आयु मतदान करने योग्य हो गई या 18 साल की हो गई, आपने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए गरुड़ ऐप के द्वारा आवेदन कर लिया किंतु काफ़ी समय के बाद भी आपका मतदाता पहचान पत्र आपको नहीं मिला, तो अब आपको पत्र लिखना है मतदाता पहचान पत्र के विवरण में देरी की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के BLO यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर को पत्र लिखेंगे। सेवा में श्रीमान BLO ऑफिसर या मतदाता पहचान पत्र ऑफिसर आप लिख सकते हैं, अधिकारी, सभी ने निवेदन है, आप एड्रेस कहीं भी लिख सकते हैं, एड्रेस अपने आसपास का ही लिख दें। विषय लिखना आप जरूर ध्यान दें, विषय लिखेंगे और उसे अंडरलाइन आप जरूर कर दें। विषय क्या लिखेंगे कि मतदाता पहचान पत्र ना मिलने की देरी के कारण, है ना, तो ना मिलने मतदाता पहचान पत्र मिलने में देरी के कारण, मतलब आपको मतदाता पहचान पत्र नहीं मिला, अब आप लिख देंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने मतदाता पहचान पत्र बनवाया था, सारी डिटेल मैंने दे दी थी, लेकिन मुझे अभी तक कोई इसका न पहचान पत्र मिला है, ना मैं कुछ सूचना मिली है मुझे, अगर कहीं गलती है तो भी मुझे मिलना चाहिए कि भाई गलती है, कृपया करके मुझे इसकी सूचना दी जाए कि मेरा जो पहचान पत्र है वो कब तक आ जाए, और अगर इसमें कोई कमी गलतियाँ हैं तो मुझे इसको सूचित किया जाए, धन्यवाद। उसके बाद या तो आप नीचे वाला लिख लें, अथवा में आपका नाम दीक्षा या दक्ष है, आप अपने आसपास अनेक अशिक्षित प्रौढ़ों को देखते हैं और उन्हें साक्षर बनाने हेतु कुछ प्रयास करते हैं, इस विषय में जानकारी देते हुए अपने मित्र मानव को पत्र लिखेंगे, तो ऊपर वाला औपचारिक है, नीचे वाला अनौपचारिक है, तो अपने मित्र को लिखेंगे, प्रिय मित्र जो भी है आपका, तो मित्र को लिखो कि भैया मुझे लगा कि ऐसे करना चाहिए, हमारे आसपास में भैया सबसे पहले शिक्षा का थोड़ा सा बताओ, उसे अपना हालचाल पूछो दोस्त को, हालचाल पूछने के बाद आपने उससे बताया कि भाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हम देखते हैं कि आसपास में बहुत सारे लोग
अशिक्षित हैं, हमें लगता है कि उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ उन्हें शिक्षित करने के लिए, छोटा सा एक मैंने अपने घर के कमरे में उन्हें बुलाता हूँ और 1 घंटा 2 घंटा उन्हें पढ़ाता हूँ ताकि वो शिक्षित बन जाए और देश के उन्नति में अपना छोटा छोटा योगदान देते रहें। तो इस तरह से बाकी अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छा सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं और अच्छे से इस काम को कर सकूं, या अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह से आपको जो है, आपका नाम सुनीता है, सुरेश है, आप राजेंद्र नगर के निवासी हैं। दैनिक समाचार पत्र से पता चला कि एक कहीं जो पुस्तकालय में अध्यक्ष पद खाली है, ये शायद आपको बायोडाटा देना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, स्वृत्ति लेखन है ना, तो आपको बताना है कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ तो मुझे जो है यहाँ जॉब पे रख लीजिए। आपको स्वृत्ति लिखना है, तो स्वृत्ति लिखने का एक तरीका है ईमेल, या तो आप ईमेल लिख लें या स्वृत्ति लिखें। तो ईमेल लेखन, स्वृत्ति लेखन हमारे चैनल पर डाला हुआ है पूरा पैटर्न फॉर्मेट के साथ, एक बार आप ज़रूर जा कर के इस वीडियो को देख लें। अगला आपके पास है, आप एक पुराना स्मार्टफोन बेचना चाहते हैं, विज्ञापन बनाना है आपको, तो पुराना फ़ोन है उसमें आप लिख दें भाई फ़ोन बना दो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, विज्ञापन लेखन में एक बॉक्स बना देना है, बॉक्स में लिख दें पुराना फ़ोन ले लो, है ना। हालांकि पुराना फ़ोन तो कौन लेता है, बट फिर भी आपको ऐसे बनाना है कि भाई ये सारा चलता है बिल्कुल बढ़िया, वर्किंग है, कोई ख़राबी नहीं है, है ना। इसमें आपको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा सारा, आप उसकी ऐसी तारीफ़ कर दूँ कि लोग आपके पुराने फ़ोन को नए जैसा ख़रीदने के लिए आपके पास लाइन लग जाए। यही तो विज्ञापन वालों का काम होता है। अगला जो है, या तो आपको या तो विज्ञापन या चित्र बना दोगे आप, है ना, तो या तो आप विज्ञापन लिखेंगे या आप संदेश लेखन लिख देंगे। आपकी छोटी बहन विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया आपकी छोटी बहन ने, तो उसे बधाई देना, आपको बधाई देने के लिए संदेश, प्रिय बहन जैसे भी है आप उसे बधाई लिख दो, एक शायरी लिख दो बहन को, है ना, मोटिवेशन वाला, अच्छा लगेगा। वैसे मोटिवेशन तो खैर उसके पास है ही क्योंकि प्रथम आई है, तो आप उसे ये बधाई देते हुए कुछ खुश कर देने वाला शायरी लिख करके और उसे बधाई दे सकते हैं। बाकी जो पूरा फॉर्मेट है एक बार हमारे चैनल पे उसे ज़रूर जा करके देखें, आपको सारे के सारे टॉपिक हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेगी। धन्यवाद।